जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे, आराम से होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ आप सब से एक ऐसे टॉपिक को लेकर जहाँ पर कि एज़ यूजुअल लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बड़े बुज़ुर्ग ऐसा क्यों कहते थे, किचन को रात को साफ़ करके क्यों सोना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये चीज़, ऐसा क्यों बोला जाता है कि किचन को रात को क्लीन करके सोइए, क्यों नहीं कहा जाता कि ड्राइंग रूम भी क्लीन करके सोइए अगर फैला हुआ है, क्यों नहीं कहा जाता कि बेडरूम भी क्लीन करके एकदम से सोइए अगर फैला हुआ है। तो किचन को क्यों कहा जाता है कि किचन को क्लीन करिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि किचन जो है वो हमारे मंगल ग्रह का कारक होता है। मंगल यानी कि मांगलिक कार्य। जब भी हम घर में कोई मंगल कार्य करते हैं तो आपने देखा है ना, किचन से ही सबसे पहले हम अग्निदेव का पूजन करते हैं। पूजा पाठ हो, हवन हो, या घर में कोई फंक्शन भी है तो अग्निदेव का पूजन क्यों, क्योंकि खाने का सामान हमारा उन्हीं पर बनाया जाता है। तो किचन जो कि मंगल ग्रह का कारक होता है, यहाँ पर अगर आप रात में झूठे बर्तन छोड़ देते हैं या आपका डस्टबिन, ओपन डस्टबिन आपने किचन में रखा हुआ है, तो इससे अलग अलग तरीके की बीमारियाँ और घर में कलेश होने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है? देखिए, जो बीमारियाँ होती हैं वो राहु ग्रह का कारक होती हैं। झूठे बर्तनों को छोड़ना, उसमें क्या होता है, कीटाणु बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से मंगल और राहु का जब मेल होता है तो ये मंगल ग्रहण बना देता है। और अगर आपके घर में कंटिन्यूसली ऐसा होता आ रहा है कि रात को बर्तन झूठे छोड़ दिए जाते हैं, देखिए आजकल तो वैसे मेड लगी हुई है, कोविड के टाइम पे नहीं आ पा रही, लेकिन जिनके घर में भी मेड आ रही हैं, रात को अपने बर्तनों को एटलीस्ट पानी से धोकर आप सिंक में रखिए। झूठन लगी है इस तरह से अगर छोड़ेंगे तो ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे अब होगा क्या, मंगल ग्रहण का मतलब होता है आपके ऊपर धीरे धीरे कर्जे की स्थिति बढ़ने लगती है, घर में बीमारियों का वास होने लगता है, आपसी मनमुटाव, जितने भी फैमिली में लोग हैं, सदस्य हैं, सबके बीच में कुछ ना कुछ तालमेल में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई कलेश होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मंगल जो कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में दौड़ने वाला खून है, तो जिस तरह हमारे शरीर से अगर खून ख़त्म हो जाए तो हम नज़र तो आते हैं लेकिन इंटरनली हम वीक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने रसोई घर को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर क्लीन नहीं रखेंगे तो ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होगा जो कि बहुत खराब होगा। तो आशा करते हुए एक छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है किचन को साफ रखने का। जय माता दी।